हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है देवा स्टडी पॉइंट IQ में। साथियों, हम आज इस स्टूडियो में राजस्थान लाइब्रेरियन थर्ड ग्रेड न्यू वैकेंसी की चर्चा करेंगे। कितने पदों पर भर्ती होगी, क्या आपका सिलेबस होगा, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो पूरा वीडियो एंड तक देखते रहना है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को लाइक कर देना है। साथियों, अगर आप लाइब्रेरियन की तैयारी कर रहे हो तो हमारे चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर बहुत सारी आप क्लासे भी ले सकते हो, वहाँ पर आपको बहुत सारी लाइब्रेरियन की क्लासे भी मिल जाएगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, राजस्थान में न्यू सरकार का गठन हुआ है, न्यू मंत्रिमंडल का भी गठन हो चुका है। तो राजस्थान सरकार ने 100 दिनों का एक अवधि घोषित की, 100 दिनों के कार्यकाल के 100 दिनों के अंदर जितने भी पद खाली है राजस्थान में उन पदों पर भर्तियां होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्कूल शिक्षा विभाग में कितने पद खाली है। स्कूल शिक्षा विभाग में कुल 21,531 रिक्त पदों पर होगी भर्तियाँ। स्कूल शिक्षा विभाग में रिक्त पदों का विस्तृत विवरण यहाँ पर आप देख सकते हैं। अध्यापक थर्ड ग्रेड 12,160 है। इसी प्रकार पुस्तकालय थर्ड ग्रेड 567 पोस्ट है। साथियों, कितनी है, 567 पोस्ट लाइब्रेरियन थर्ड ग्रेड की रिक्त है, इन पदों पर भर्ती होगी साथियों। ठीक है, अब लाइब्रेरियन थर्ड ग्रेड की ये भर्ती कौन करवाता है, तो राजस्थान अधीनस्थ बोर्ड करवाता है। राजस्थान अधीनस्थ बोर्ड ने एक कमेटी का गठन किया है, वो कमेटी सिलेबस में कुछ चेंजमेंट करेगी। सिलेबस के बारे में राजस्थान अधीनस्थ बोर्ड है RSSB, वो एक कमेटी का गठन करके सिलेबस पर कुछ चेंजमेंट होगा, वो जैसे ही सिलेबस जारी होगा आपको मैं इस चैनल पर बता दूंगा। तो साथियों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, अभी सिलेबस जारी नहीं हुआ है, जैसे ही सिलेबस जारी होगा आपको बता दिया जाएगा और जैसे ये फॉरम स्टार्ट होंगे आपको मैं इस चैनल पर बता दूंगा। तो साथियों, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद। जय हिंद।